गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अपर्णा एंड टुडे इज माई सब्जेक्ट इज मैथ्स क्लास थर्ड. ओके, आपका क्लास थर्ड का मैथ है. नाउ जस्ट टर्न द पेज एंड चैप्टर वन. इन दिस टाइम यू कैन सी दैट इट्स अ कंटेंट्स. जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपका कंटेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स. ओके, रिमेंबर इट, कभी भूलिएगा नहीं. नाउ जस्ट फर्स्ट इज अ चैप्टर वन. ओके, अब आपके चैप्टर वन में हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से फिनिश्ड अप करना है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन न्यूमरल्स. ओके, अगेन राइट द नंबर्स नेम्स फॉर द गिवन न्यूमरल्स. आपको नंबर नेम्स करने हैं किसमें, न्यूमरल्स में, मतलब आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में करना है. ठीक है, फर्स्ट है 770. आपका ये क्या होता है, एच मेंशन करते हैं ना, ये हमारा होता है टेंस और ये हमारा होता है वंस. ओके, ये हमारा होता है ना, तो हमें इसी को वैसे मेंशन करना है. तो 770, अब हम इसी को कैसे मेंशन कर रहे हैं, यू कैन सी दैट एस ई वी ई एन 7 एच यू एन डी आर ई डी एच यू एन डी हंड आर ई डी रेड 100 एस ई वी ई एन टी वाई 70. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 115. मोस्टली स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं डिफरेंस बिटवीन, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन टीन एंड टी. हाँ, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो 115, टी डबल ई एन टीन. ओके, तो ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी एच यू एन डी हंड आर ई डी रेड 100 एफ आई एफ टी डबल ई एन 15. नेक्स्ट सी पॉइंट 214. टी डब्ल्यू ओ टू एच यू एन डी आर ई डी 100 एफ ओ यू आर टी डबल ई एन टी डबल ई एन डबल ई होगा, ठीक है, एन. ओके, तो 14. नेक्स्ट 357. सो टी एच आर डबल ई 3 एच यू एन डी आर ई डी 100. अब हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, 57, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे. ओके, तो 50 की बताइए, एफ आई एफ टी वाई 57 आ रहा है ना. सो एस ई वी ई एन 7. ओके, तो हमारा क्या हो गया, 300 एफ आई एफ टी वाई 50 एस ई वी एन 7. नेक्स्ट पॉइंट राइट न्यूमरल्स फ्रॉम फॉर द गिवन नंबर नेम्स. राइट न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स. अभी आपके न्यूमरल्स फॉर्म में दे रखा है ना, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स नेम में, मतलब नंबर्स में. तो फर्स्ट क्या है, टी डब्ल्यू ओ टू एच यू एन डी आर ई डी 100 एफ आई एफ टी वाई 50 एस ई वी एन 7. तो पहले जब भी कभी लिखिए, फर्स्ट यू मेंशन इट 100 टेंस एंड वंस. ओके, 100 टेंस एंड वंस. ओके, तो फर्स्ट है 257 257. ओके, 257. नेक्स्ट है 344 344. ओके, नेक्स्ट 458. तो हम कैसे लिखेंगे, 458. ओके, 458. नेक्स्ट 526. सो 526 हो गया ना, 526. नाउ नेक्स्ट राइट द न्यूमरल
for each of the following. Each of the following means इसको दो mention में भी कर सकते हैं आप, जो numerals हैं उनको अलग अलग parts में divide करके जैसे हम numbers में करते हैं वो करना है, ठीक है. For an example, 600, 4 tens, 9 ones, तो 649. Next, 700, again we repeat it, 700, 7 tens, 4 ones, 7 आपका 100 हो गया, 7 आपका tens हो गया and 4, तो 774 हो जाएगा, क्या होगा, 774. Next, 400, 1 one, okay, तो डेफिनेटली अगर आ रहा है 400 और वंस में हमारा वन आ रहा है तो बीच में हमारा क्या आएगा, ज़ीरो, क्योंकि टेंस मेंशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट 208 ones, अब टू तो हमारा 100 में मेंशन हो गया, अब एट हमारा वंस में मेंशन हो गया तो बीच में क्या आएगा, ज़ीरो. सो फर्स्ट इज़ अ 401 एंड 208. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, write the following numerals in an expanded form. आपको जो है इसको expanded form में आप कैसे mention करोगे मैं आपको बताती हूँ. Expanded form क्या होता है ये बहुत ही easy है, मैं आपको अभी clear करती हूँ. Okay, बहुत ध्यान से देखिएगा expanded form क्या होती है. जैसे मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 5, 4, 3, 0, ठीक है. अब मान लीजिए आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 5 है तो 5 के बाद हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट्स है ना, तो आप क्या करोगे 3 0 करोगे, प्लस बनाओगे. फिर 4 है ना नेक्स्ट डिजिट, 4, उसके बाद हाउ मेनी सेंटेंसेज इन दिस साइड, 2 सेंटेंसेज ना, तो हम यहाँ पे 2 सर्कल बनाएंगे. ओके, फिर प्लस का साइन बनाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 है तो हम 3 को मेंशन करेंगे एंड कौन सी डिजिट बच रही, लास्ट सिंगल डिजिट बच रही ना, तो यहाँ पर हम सिंगल 0 लगाएंगे एंड उसके बाद प्लस 0 करेंगे, जिसका कोई सेंस नहीं है, आप चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ. तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, 5, 4, 3, 2 है तो 5 में 3 डिजिट्स है ना, तो 3 सर्कल, 4, 2 डिजिट, 2 सर्कल, 3, 1 डिजिट, 1 सर्कल, 0, 0. अगर यहाँ पे इफ़ इन केस हम आपका मेंशन कर देते 5, 4, 3, 2 तो आप कैसे करते, तो करते आप 5, 3 डिजिट सर्कल, ओके, प्लस 4, 2 सर्कल, प्लस 3, 1 सर्कल, प्लस सिंगल 2, क्योंकि आफ्टर 2 देर इज़ नो सर्कल, नो डिजिट्स. ओके, सो नो डिजिट, सो नो सर्कल. ओके, तो सेम एज इट इज हमें यही करना है. तो हमारा पहला पॉइंट है 223 मीन्स 223, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स, 2 डिजिट्स आ देर ना, तो 2 0s. ओके, वी मेंशन इट 2 0s. ओके, फिर प्लस आफ्टर दैट 2 डिजिट ना, 2 and 1 डिजिट आर लेफ्ट ना, तो 1 0 एंड फिर प्लस 3 इज़ अ सिंगल डिजिट, उसके बाद कोई डिजिट है नहीं ना, तो 3 हम सिंगल लिखेंगे. ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पर करना है. 4 है तो 2 सर्कल्स करेंगे बिकॉज ऑफ 2 डिजिट्स. हाँ, प्लस 6 है सिंगल, 9 है ना वहाँ पे, तो 1 डिजिट 1 0 एंड फिर प्लस 9 सिंगल करेंगे. ओके, अभी आपको ये समझ में आया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस थिंग्स. मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगी, बट कोशिश करिए आज आप इसको खुद कंप्लीट करिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. जितने भी आपके डिजिट्स हमने दिए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, जस्ट लाइक 800 प्लस 5 tens प्लस 9 ones. यहाँ पर आपका देखो ब्लैंक होगा, बट हमने आपको हेल्प के लिए बताया है 9 ones, मतलब यहाँ पे कोई वंस मेंशन नहीं है. यू कैन सी दैट यहाँ पे वंस मेंशन है ना, यहाँ पे वंस है, यहाँ पे वंस है, और इन द 3 डिजिट्स वंस आर मेंशन ना, बट इन दिस साइड 9 ones. ओके, सो वी यूज 800. फर्स्टली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन 100 tens and 1s. जब आप ये मेंशन करोगे तो इट्स टू ईजी फॉर यू टू मेंशन इट. ओके, टू सॉल्व दिस पजल या सम. ओके,
एट हंड्रेड, तो हंड्रेड में एट आया। फाइव टेंस, सो टी पे टेंस पे फाइव। नो वंस मीन्स ज़ीरो, ओके। हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। इफ इन केस मान लीजिए अगर हम यहाँ पर, अगर आपका इस तरह से कुछ भी मेंशन है, और अगर मान लीजिए इफ इन केस हम यहाँ पर आपका मेंशन कर रहे हैं, सेम डिजिट है आपकी, ठीक है, मैं आपको एज अ रफली बता रही हूँ। जस्ट गिव मी अ वेट अ मिनट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपका ये है टू एट वंस नहीं है, अगर हम एट हंड्रेड फाइव टेंस मेंशन करेंगे और अगर हम वंस को मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा 85 हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखो, 100 है, 10 है, 1 है। अगर हम 8, जो इसमें 8 में हम मेंशन है, और 5 जो हमने मेंशन कर दिया, अगर हम वंस को कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे तो हमारा क्या डिजिट बन जाएगी, तो 85 हो जाएगी ना। तो ये रॉन्ग है ना, हम इसको 85 भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि 8 हमारा 100 में है। तो हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन इट ज़ीरो। अगर यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर आपको ज़ीरो मेंशन करना होगा, सेम एज इट इज़ जैसे हमने किया, ओके। नेक्स्ट, 200 6 10 19 1, सो 269। अब आपको ये अपने आप करना है, एंड एक ये सम्स मैंने खुद लिखा है, ये आप लोग अपने आप खुद बनाइएगा। ई सेक्शन में इसको लिखिएगा 700, ओके, 700 प्लस 8 टेंस, नो वंस। तो कैसे करेंगे ये आपको करके दिखाना है, इसको सॉल्व करना है। कल तो मैं आपको कराऊंगी, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, ओके। नाउ जस्ट टर्न द पेज, एंड अब हम आएंगे पेज नंबर 6 पे, ओके। सो अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे, ओके। तो पेज नंबर 6, यू कैन सी इन द साइड, पेज नंबर 6, ओके, एंड नंबर इज 6। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म मीन्स आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सेम एज इट इज़। देखिए 100, टेंस और वंस ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आ रहा है ना, 100 लिखा हुआ है, फिर प्लस कर दिया 2020 है, तो ये हमारा टेंस मेंशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सिंगल डिजिट है तो 5 ना, तो वंस मेंशन हो रही है। तो आपको सिंपल करना है, 125 फर्स्ट डिजिट को ले लीजिए। नेक्स्ट 200, ओ ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है, इट्स रियली वेरी प्रॉब्लमेटिक। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, 200, ओके, इट्स अ 100, इट्स अ टेंस एंड इट्स अ वंस। सो 200 हमने मेंशन किया, तो फर्स्ट वी मेंशन इट ऑल, 100, टेंस एंड वंस, ओके। सो 200 मेंशन एंड वंस में क्या है, 3, सो डेफिनेटली 0 यहाँ पे जाएगा, सिंगल यहाँ पर आएगा क्योंकि ऑलरेडी 20 है। तो हम फर्स्ट जो हमने, हमें क्या करना है, हमेशा जस्ट वी टेक अ फर्स्ट लेटर, ओके। सो फर्स्ट लेटर 2, फर्स्ट लेटर 0, फर्स्ट लेटर 3, ओके। सो 203, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन दिस साइड ओनली अ सिंगल 0 आर देयर, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू कैन सी दैट इन नेक्स्ट साइड अदर डिजिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड ना। सो करेंगे 309, इट मीन्स 309, ओके। अब ये सारी डिजिट्स आपको खुद सॉल्व करनी है, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, 9 आफ्टर क्या आता है स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, 9 आफ्टर, 9 आफ्टर 10, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ना, ये 2 डिजिट है ना, 100 एंड 10 एंड 1, 2 डिजिट है ना, सो वी जस्ट मेंशन इट 10s, ओके। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, हाँ, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी आई एम, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पे, तो 99 आफ्टर 100, तो ये फर्स्ट 100 हमारा क्या होता है, 3 डिजिट का फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट डिजिट होती है ना, 3 लेयर्स की, 100, टेंस एंड वंस। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे 100, ओके। द लार्जेस्ट
टू डिजिट नंबर्स इज, अब लार्जेस्ट टू डिजिट क्या होता है, लास्ट हमारा 99 मेंशन होता है, उसके बाद हमारा 100 होता है, तो जो लार्जेस्ट डिजिट हमारी टू डिजिट्स में आएगी तो क्या आएगी, 99. ओके, सो वी जस्ट मेंशन इट 99, सेम एज इट इज. द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999, क्योंकि आफ्टर 999 द नेक्स्ट डिजिट इज 1000. ओके, सो नेक्स्ट लार्जेस्ट डिजिट इज 999. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर 8. कंपेयर द न्यूमरल्स यूजिंग द साइन. ऑलरेडी आप यू के जी से साइन, आई थिंक एल के जी से साइन पढ़ रहे हो, आई एम राइट. सो यू नो दैट हाउ कैन वी चेक इट. इन दिस साइन 880 एंड 808, यू नो दैट नाउ विच इज़ द बिगेस्ट नंबर. 880 इज़ द बिगेस्ट नंबर, सो ये एरो हमारा बिगेस्ट एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉइंट. ओके, सो बिगेस्ट में हमने ये मेंशन किया. ओके, नाउ नेक्स्ट 265, 562. इट्स टू इजी. इन साइड फर्स्ट लेटर इज़ अ 2, इन साइड फर्स्ट लेटर इज़ अ 5, सो दिस इज़ द सेम. ओके, नाउ सी 385, 385. Oh, it's equal. It's not a big and small. It's a equal. So we use a equal. Okay. And that's your homework. अब आपको ये अपना homework करना है, ठीक है? Okay. Now difference. Now I'm telling you about teen and tea. Mostly student confused होते हैं. Some students are really very confused. They don't know how what's the difference between T-T-E-E-N-T-E-N and T-Y-T. This is your copy homework. It's your responsibility to complete in your copy, okay? मैं जैसे जैसे आपको बता दूँ. जब भी किसी डिजिट के आगे वन लगता है, यू कैन सी दैट यहाँ वन है ना कि नहीं है. जब वन लगता है तो हम क्या मेंशन करते हैं, हम मेंशन करते हैं T-E-E-N-T-E-N. जस्ट लाइक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, teen लगाते हैं ना. और जब किसी डिजिट के लास्ट में ज़ीरो होता है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टी वाई टी कर देते हैं. जस्ट लाइक 20, 30, 40, 50, 60. तो आज आपको हमें यही करके देना है, ठीक है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ओके, एंड इन दिस साइड जस्ट मेंशन अ रो. एक आप ऐसे लाइन खींचेंगे एंड जस्ट फिल द इन दिस साइड. ओके, नेक्स्ट 50 मतलब टी वाई का साइन आया. सो नेक्स्ट इज इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. ओके, एंड दिस इज योर एच डब्ल्यू. आज की डेट मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. एंड आपको अब ये करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा. जब फर्स्ट डिजिट हमारी वन होती है तो टी डबल ई एन टीन का यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड जब हमारा कोई भी डिजिट के नेक्स्ट अगर हमारा सर्कल ये ज़ीरो होता है तो हमारा हमेशा किससे मेंशन होता है, टी वाई टी से. ओके, हैव अ नाइस डे. कल हम फिर मिलेंगे, सेम क्लास सेम सब्जेक्ट एंड इसका पार्ट टू लेके. एंड जस्ट बी सेफ एंड बी हेल्दी. घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं घूमना, बिकॉज टू इंजीरियस कोई. ओके, गुड डे.